वेलकम बैक टू एम एस ट्रेड बेंस। आज हम बात करेंगे हाईएस्ट परसेंटेज डिलीवरी शेयर्स ऑन 29th ऑफ अक्टूबर 2021। सो लेट्स तो यहाँ स्टार्ट। पर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को स्टडी करेंगे, और वो भी एज ऑन 29th ऑफ अक्टूबर 2021। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सो गाइस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे क्वांटिटी ट्रेडेड, डिलीवरेबल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी और ईओडी प्राइस। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एक एफएमसीजी का दिग्गज है, जिसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 24 लाख, क्वांटिटी जो डिलीवर्ड हुई वो है 18 लाख, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 73% और ईओडी 2393। सेकेंड नंबर पर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्वांटिटी ट्रेड हुई 38 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 24 लाख, और परसेंटेज 63.74 और ईओडी 2844। थर्ड नंबर पर है आइसर मोटर्स, जो एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जिसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 16 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 10 लाख, 62.81% और ईओडी 2484। फोर्थ नंबर पर है हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, ये भी एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, जिसमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुई 6,14,000, जो क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 3 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 62% और ईओडी 2657। फिफ्थ नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, क्वांटिटी ट्रेडेड 46 लाख, क्वांटिटी डिलीवर 26 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 57% और ईओडी 2031। सिक्स्थ नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है, क्वांटिटी ट्रेडेड 62 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड 35 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 56 और ईओडी 1582। सेवन्थ नंबर पर है टीसीएस, जो एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, क्वांटिटी ट्रेडेड 39 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड 22 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 56% और ईओडी 3397। एट्थ नंबर पर है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो एक इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्वांटिटी ट्रेड 20 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड 11 लाख, 56% की डिलीवरी हुई है और जो ईओडी है 680। नाइन्थ नंबर पर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्वांटिटी ट्रेडेड 97 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड 54 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 55% और ईओडी 185। टेंथ नंबर पर है इन्फोसिस लिमिटेड, ये भी एक आईटी सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जिसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 58 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 32 लाख, और परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 54 लाख और ईओडी 1667। इलेवंथ नंबर पर देखें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक एफएमसीजी की कंपनी है, जिसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 2,80,000, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 1,50,000, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 53% और ईओडी 3675। ट्वेल्थ नंबर पर है ऑटो सेक्टर का मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, क्वांटिटी ट्रेड हुई 8 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 4 लाख और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 53%, ईओडी 748। थर्टींथ नंबर पर है भारती एयरटेल लिमिटेड, ये एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, जहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई 86 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 44 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 52% और ईओडी 685। फोर्टींथ नंबर पर है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ये एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 6 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 3 लाख, 52% के क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई और ईओडी है 7636। फिफ्टींथ नंबर पर है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये वापस एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 35 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 17 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 49% और ईओडी 1143। सिक्सटींथ नंबर पर है विप्रो, वापस से एक आईटी सेक्टर का स्टॉक, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 67 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 33 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 49 और जो ईओडी है 646। सेवेंटींथ नंबर पर है टेक महिंद्रा, ये भी एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 37 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 18 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 48% और जो ईओडी है 1477। एटींथ नंबर की बात करें तो ये भी एक इंश्योरेंस सेक्टर से है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 15 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 7 लाख और डिलीवरेबल क्वांटिटी 48% और ईओडी है 1145। नाइनटीन्थ नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटो सेक्टर से, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 24 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 11 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 48% और ईओडी 884। ट्वेंटीएथ नंबर की बात करें तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है, तो वहाँ पर अगर हम क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख
क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 1 करोड़ 1 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 47% और ईओडी है 742। 21st पोजीशन की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ये एक इंजीनियरिंग सेक्टर को बिलोंग करता है, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 39 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 18 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 47% और ईओडी 1766। 22nd पोजीशन की बात करें तो ये भी एक एफएमसीजी की कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2 करोड़ 66 लाख और क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 1 करोड़ 26 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 47% और ईओडी 223। 23rd पोजीशन पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक रिफाइनरी कंपनी है, जहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई 65 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 31 लाख, डिलीवरेबल परसेंटेज क्वांटिटी 47% और जो ईओडी है 2536। 23rd पोजीशन की बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी एक एफएमसीजी की कंपनी है, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 22 लाख, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 10 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 47%, ईओडी 809। और लास्ट नॉट द लिस्ट 25th पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, वापस से एक प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक, जहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई 1.5 करोड़, क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई 72 लाख, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 45 और जो ईओडी है 802। सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर तकरीबन जो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज हुई वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में, एफएमसीजी में, ऑटो सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में और पीएसयू सेक्टर्स में। सो हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के सभी स्टॉक को स्टडी किया। आप अपनी तरफ से और रिसर्च कीजिए और अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। सो होप यू गाइज यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।